Children, let's start with chapter number 49, that is we need water. तो आपको पता है water is very precious for us. Water ही हमारी life को support करता है. आपने सुना होगा जल ही जीवन है. क्यों? क्योंकि पानी के बिना हम रह ही नहीं सकते. Water is very essential for us. Water हम किस किस काम लाते हैं? Water हम पानी पीने के लिए use करते हैं, हम पानी कपड़े धोने के लिए use करते हैं, अपने वेजिटेबल्स फ्रूट्स को वॉश करते हैं, अपने हैंड्स वॉश करते हैं, अपने हैंड्स पे से जर्म्स हटाते हैं वाटर से वॉश करके. सो लेट्स सी हमें पानी किस किस चीज के लिए जरूरी होता है. कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ यू डू नॉट ड्रिंक वाटर? अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे. यू विल बिकम वेरी सिक. बिल्कुल सही बात है, हम बीमार हो जाएंगे. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. We cannot live without water. तो water के बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं. Why is water important? Water हमें जरूरी होता है for the purpose of drinking, for washing our clothes. जो ships हैं, boats हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह travel करती हैं. So उनके लिए भी क्या essential होता है? Water. We need water to bathe. आप रोज नहाते हैं, नहाने के लिए क्या चाहिए होता है? पानी. Fish live in water. फिशेस भी तो पानी में ही रहती हैं. Where does water come from? तो ये पानी आता कहां से है? ये पानी आता है रेन्स के थ्रू. रेन फिल्स अप द पॉन्ड्स एंड टैंक्स. तो ये ही रेन जो होती है ये हमारे टैंक्स को, पॉन्ड्स को, रिवर्स को, सबको फिल आउट कर देती है. वी ऑल्सो गेट वॉटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स. तो रिवर्स एंड लेक्स में से पानी आता है कहां से? माउंटेन एरियाज में से. माउंटेन एरिया में स्नो मेल्ट करती है, वाटर बनाती है, एंड दैट फिल्स द रिवर्स एंड लेक्स. आइस ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स मेल्ट्स टू फॉर्म रिवर्स. वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड. तो हम ग्राउंड से भी वाटर को ले सकते हैं. वहां जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर. तो ग्राउंड वाटर से जब हम वाटर लेते हैं हम कैसे ले पाते हैं? By digging wells and tube wells. Drinking water. The water we get from rain, pond, river, lakes. तो ये जो water हमें मिलता है ना ये fit नहीं है पीने के लिए. इसमें germs present हो सकते हैं, इसमें आपके disease causing organisms present हो सकते हैं. So हमें इस water को सबसे पहले purify करना होता है. The water we get from rains, ponds, rivers and well is not safe to drink. Water is first collected, purified and then sent to our homes through long pipes. तो ये हमारे घर पे पहुंचता है through long pipes. और हमारे घर पे क्या लगे होते हैं? Water purifier. वो भी इस पानी को purify करते हैं. नहीं तो other methods of purification of water are कि हम water को boil कर दें या उसको filter out कर लें. And then the water becomes fit for drinking.